हाय मानवी रही न नारी लज्जा से अवगुंठित, वह नर की लालस प्रतिमा शोभा सज्जा से निर्मित, युग युग की वंदनी देह की कारा में निज सीमित, वह अदृश्य अस्पर्श विश्व को ग्रह पशु से ही जीवित। ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कृति नारी से ली गई है। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे लेखकों और कवियों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज सुधार के कार्य किए। इस वीडियो में प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानेंगे, जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माताजी का निधन हो गया। पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया था। पंत 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। पंत को यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए इन्होंने अपना ही नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरी की। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 18 वर्ष की उम्र में अपने भाई के पास बनारस चले गए। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंत अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी का साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए। पंत फिर कभी भी अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके, परंतु घर से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन जारी रखा। 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। वर्ष 1926-27 में पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव का प्रकाशन हुआ, जिसके गीत सौंदर्य और पवित्रता का साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय बाद वे अल्मोड़ा वापस आ गए, जहां वे मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित हुए। वर्ष 1938 में पंत जी रूपाव नाम का एक मासिक पत्र शुरू करते हैं और वर्ष 1955 से 1962 तक आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं और मुख्य निर्माता के पद पर यहां पर कार्य करते हैं। परंतु पंत एक लेखक कवि के रूप में हमेशा सक्रिय रहे। सुमित्रा नंदन पंत ने 7 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था, जब वे चौथी कक्षा में पढ़ते थे। इसी दौरान पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य ही उनकी प्रेरणा का स्रोत बना। 1907 से 1918 का वह काल था जब पंत पहाड़ की वादियों में अपनी रचनाशीलता को सींच रहे थे। इस दौरान इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को जितना अनुभव किया और समझा, उसे छोटी छोटी कविताओं में ढालने का प्रयास भी किया। उस दौर की पंत की कविताओं को संकलित कर 1927 में वीणा नाम से प्रकाशित किया गया। इससे पूर्व वर्ष 1922 में सुमित्रा नंदन पंत की पहली पुस्तक उच्छावास और दूसरी पल्लव नाम से प्रकाशित हुई। फिर ज्योत्सना और गुंजन का प्रकाशन हुआ। पंत की इन तीनों कृतियों को कला साधना एवं सौंदर्य की अनुपम कृति माना जाता है। हिंदी साहित्य में इस काल को पंत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं, जैसे कि ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम आदि। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत अपने विस्तृत समय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि माना जाता है। अपनी रचना के माध्यम से पंत ने भाषा में निखार लाने के साथ ही भाषा को संस्कार देने का भी प्रयास किया। इन्होंने अपने लेखन के जादू से जिस प्रकार नैसर्गिक सौंदर्य को शब्दों में ढाला, इससे उन्हें हिंदी साहित्य का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। पंत की रचनाओं पर रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा शैली, कीट्स, टेनिसन आदि जैसे अंग्रेजी कवियों की कृतियों का भी प्रभाव रहा है।
पंत हालांकि प्रकृति के कवि माने जाते हैं, परंतु वास्तविकता में वह मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य का प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए बुझ गया। सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि माना जाता है। अपनी साहित्यिक सेवा के लिए पंत जी को 1961 में पद्म भूषण, 1968 में ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया है। पंत जी कुशानी में बचपन में जिस घर में रहते थे, उस घर को सुमित्रा नंदन पंत विथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयासों की वस्तुओं जैसे कि उनके कपड़े, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छाया चित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन भी होता है। यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रा नंदन पंत उद्यान कर दिया गया है। इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।